वीडियो को लाइक शेयर करें और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, टेलीग्राम आदर्श क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम। चलिए आइए बच्चों, आज हम आपके डिमांड के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का भौतिक यानी कि फिजिक्स का पाठ, जिसका सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का प्रावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, यानी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं अभी, जिसको हम हिंदी में डील करेंगे और हम इंग्लिश भी आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जब तक अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय हम लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। तो जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर किया जाता है आप उसको पढ़ें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी आप उसको फॉरवर्ड करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसको इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए आइए, तो आज हम बात करते हैं प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन। तो डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले, यानी कि अगर हम प्रावर्तन पे डायरेक्ट जाएं, उससे पहले हम प्रकाश के बारे में जानना चाहेंगे, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, प्रकाश से रिलेटेड कुछ कुछ बातों को पहले हम जानेंगे। प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे तरह चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं हम उन हर चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलें, आपके चारों तरफ जितनी चीज़ें, पेड़ पौधे, जानवर है ना, वर्ड्स, जितनी भी चीज़ें, पक्षी, जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। जबकि आप एक ऐसे कमरे में जाएं, यानी कि एक ऐसे कमरे में जाएं, ठीक है, एक कमरा में आपको जाना है, कैसा कमरा, जिसमें पूरा अंधेरा हो, क्या हो, अंधेरा हो, तो उस कमरे में जब आप जाएंगे तो उस कमरे में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कुछ भी नज़र, ठीक है, नहीं आता है। एक अंधेरे कमरे में जाएंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता है, जबकि है ना, जबकि अगर हम, ठीक है, अगर हम एक बल्ब को जला दें, ठीक है, उस रूम में अगर हम एक बल्ब को जला दें तो रूम में रखी हुई हर एक चीज़ों को हम देख पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है हमारे प्रकृति में जो हर एक चीज़ को दृश्यमान बनाती है, दृश्यमान मतलब कि हम हर एक चीज़ को देख पाते हैं, ऐसा क्या है हमारी प्रकृति में, ठीक है, तो वो है प्रकाश। क्या है प्रकाश, यानी कि प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, हम हर एक चीज़ को देख पाते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं, जो उपस्थित हैं, उन सभी चीज़ों को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिन के समय अगर हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं तो वो है प्रकाश, क्योंकि दिन के समय सूरज निकलता है और सूरज जब निकलता है तो सूरज की लाइट जब चारों तरफ फैलती है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, तो जहाँ जहाँ उसका प्रकाश जाता है, ठीक है, वहाँ वहाँ के लोग उन उन चीज़ों को देख पाते हैं जिस जिस पर प्रकाश पड़ता है, और जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, उन चीज़ों को लोग नहीं देख पाते। जबकि रात में अगर हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो हमको नहीं नज़र आती, जब कहीं प्रकाश ना हो दूर दूर तक। वही चीज़ लाइट में, रात में अगर हम प्रकाश को लेके आते हैं, प्रकाश कहने का मतलब जैसे बल्ब को आपने जलाया, लालटेन को आपने जलाया, मोमबत्ती को आपने जलाया, तो जब आप प्रकाश को लेकर के आए, यानी कि एक ऐसा सोर्स आपने निकाला जिससे प्रकाश आपको मिल रहा हो, तो उस प्रकाश का किरण, ठीक है, जब एक सरफेस पर यानी कि एक वस्तु के ऊपर जब पड़ता है और वस्तु उस किरण को परावर्तित करती है, और परावर्तित जब करती है और वही परावर्तित किरण आपकी आँखों में जब जाती है तब चीज़ें आपको नज़र आती हैं। यानी कि जब तक प्रकाश उपस्थित नहीं होगा हमारे चारों तरफ किसी भी माध्यम से, हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ जाती है, क्या, कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है
जिसके माध्यम से यानी कि जिसकी उपस्थिति ही मात्र से हम अपने चारों तरफ प्रेजेंट चीज़ों को, उपस्थित चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो कैसे ये कहानी होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हो पाता है, आइए इस बात को हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए एक फिगर हम बनाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक, जैसे मान के चलिए अभी हमारे पास ये सन है, सपोज यहाँ पर ये सूरज है, थोड़ा यहाँ पानी आ गया है, इसको थोड़ा रफ कर दो, पानी को मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, यह है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का क्या काम है बच्चों, सूर्य का काम है प्रकाश को बाहर निकालना। ठीक है, प्रकाश को बाहर निकालना, जिसको बोलते हैं इमिटिंग ऑफ लाइट, वो लाइट को बाहर निकालता है। प्रकाश जब बाहर निकलता है, जैसे ये प्रकाश ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्रकाश प्रकाश इसमें से क्या होता है, बाहर निकलता है। ये सूरज का काम है, ये प्रकाश को बाहर निकालता है ऐसे। ठीक है, ये चारों दिशाओं में प्रकाश निकालता है, कोई एक दिशा में प्रकाश नहीं निकालता है, चारों दिशाओं में। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है सरफेस पर, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है। अब वो क्या कर रहा है कि ये चीज़ इसको कैसे नज़र आएगी, तो देखिए होता क्या है कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, इस सरफेस पर पड़ा। ठीक है, तो इस सरफेस के जिस जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जिस जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा उस हिस्से से प्रकाश जो है परावर्तित होता है। जिस जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है उस हिस्से से प्रकाश परावर्तित होता है। तो जब यह प्रकाश परावर्तित होगा और परावर्तित होकर के इस व्यक्ति के जब आँख में जाता है, ठीक है, ये प्रकाश परावर्तित होकर के जब इस व्यक्ति के आँख में जाता है, तब ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाता है, तब ये व्यक्ति क्या कर पाता है, इस वस्तु को देख पाता है। और यही फिनोमिना हमारे चारों तरफ होती हैं। जैसे अगर आप हमको देख पा रहे हो इन द मोबाइल स्क्रीन, तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन में से एक लाइट निकल रहा है, वो लाइट आपकी आंखों में जा रहा है। ठीक है, आपकी आंखों में जब जा रहा है तो आपकी आंखों के अंदर एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस के थ्रू लाइट पास होकर के जाता है, आपकी आंख में एक रेटिना है, ठीक है, जिसको सेंसिटिव ऑर्गेन बोला जाता है, वहाँ पर जाकर के जब इमेज बनता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी बीम का जब प्रतिबिंब बनता है, तब आपको चीज़ें नज़र आती हैं, अदरवाइज आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कैसे कोई भी चीज़ हमको नज़र आती है, जब सूर्य से लाइट आता है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट इसको क्या करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित होने के बाद परावर्तित रे जब हमारी आंखों में आती हैं तब चीज़ें हमको नज़र आती हैं। तो यही कारण है, इसी के कारण हम चारों तरफ अपनी चारों तरफ जितनी भी वस्तुएँ प्रजेंट हैं, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, सबको देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक, चलिए, तो अब जैसे प्रकाश की बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग और क्या बोलते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके कुछ कुछ घटनाओं का नाम जो है हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, घटनाएँ तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ कुछ घटनाओं को हम बताना चाहेंगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको भी हम लोग देखेंगे।
तारों का टिमटिमाना इसको भी देखेंगे, इंद्रधनुष के सुंदर रंग यानी इंद्रधनुष के जो सात रंग बनते हैं कैसे बनते हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। किसी माध्यम के द्वारा जब रे किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो कैसे मुड़ जाती है इसके भी इसके बारे में भी देखेंगे और इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे भी। और हम लोग क्या क्या घटनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज, ठीक है, लाल नज़र आता है और शाम का डूबता हुआ सूरज भी लाल नज़र आता है ना। जो सिग्नल होता है यानी कि जो डेंजरस सिग्नल होता है, ठीक है, वो रेड कलर का क्यों होता है, ठीक है। आपका आकाश नीला क्यों नज़र आता है यानी कि आकाश जो नीले नज़र क्यों आता है, जबकि आकाश में खोज करने वाले जो लोग जाते हैं वो लोगों को आकाश काला नज़र आता है, ठीक है। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन सभी घटनाओं को जाने से पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलो आओ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, आप इस बात को याद रखें। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, है ना, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में आता है और परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस चला जाता है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों आप डिफिनेशन को लिख लो, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से होकर के आता है और किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में अगर वापस चला जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए इस बात को हम समझाना चाहेंगे आपको एक फिगर के माध्यम से। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है तो पाइप के माध्यम से ही हम जो है काम को चला लेते हैं, ठीक है। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को हर तरीक़ा से क्लियर किया जाए। ये एक चिकनी सरफेस है, वो नीचे थोड़ा रफ सरफेस है जिसको हम डैश डैश बना रहे हैं, नीचे में रफ सरफेस है, ऊपर में चिकनी सरफेस है, ऊपर में है जो सरफेस वो चिकनी है। तो यहाँ पर माध्यम कौन सा, ये माध्यम हम ले लेते हैं विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम, इसको हमने विरल माध्यम नाम दे दिया है, ठीक है। माध्यम दो प्रकार के होंगे, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। अभी तो हमने विरल माध्यम लिया है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये सन है, सन में से लाइट निकल रहा है, ठीक है, सन में से ऐसे करके लाइट निकल रहा है, ये सन से लाइट जो है बाहर निकल रहा है। जब लाइट सन से आएगा और इस चिकनी सरफेस पे टकराएगा ऐसे करके, ये लाइट आया और आकर के चिकनी सरफेस पे टकराई, ठीक है, ऐसे करके लाइट आ गई और इस सरफेस पे आकर के यहाँ इस पॉइंट पर टकराई है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये इसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए इसी माध्यम में ये वापस आ गई ऐसे करके, ठीक है, इस माध्यम में ये वापस आ गई, यानी कि जिस माध्यम में आई थी विरल माध्यम से आई थी और टकराने के बाद विरल माध्यम में ही चली गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में परावर्तित होकर के चली जाए। तो जो किरण आती है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण बोला जाता है इसको, आपतित किरण इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इंसिडेंट रे कहते हैं हम लोग, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है गाइस। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आकर के लाइट टकराया ये पॉइंट क्या कहलाता है, आपतन बिंदु, एक बोलता है आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है,
ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोल सकते हो आप, या फिर इंसिडेंस पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये तो बात हुई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ में आ गया होगा आपको कि किसको परावर्तित किरण, किसको आपतित किरण, ठीक है, और किसको आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। जो प्रकाश से आने वाली किरण होती है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, वो आपतित किरण, टकराने के बाद किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद जो वापस जाती है वो आपकी कहलाती है परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और टकराने के बाद किस माध्यम में जाती है, सेम माध्यम में जाती है, यानी कि विरल माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, रेरर मीडियम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेरर मीडियम। हर एक वर्ड का जो है हम आपको इंग्लिश बताते जाएंगे, तो जिन बच्चों को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है आप उनको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं हर एक वर्ड को, ठीक है। अब उसके बाद इसके दो नियम आते हैं, क्या आते हैं, दो नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं, सबसे पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। दो कोण यहाँ पर आएंगे, दो कोण का नाम आएगा, एक तो नाम आएगा आपके पास आपतन कोण, ठीक है, और एक आता है आपके पास परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है, इंसिडेंस एंगल, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो है हम लोग। तो आप क्या करें, कॉपी में इनका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा लिख लीजिए। आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण आपका जो होता है, कहाँ गया, हाँ, आपतन कोण जो होता है आप लिख लीजिए, आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और लंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। लंब का होता है, देखिए लंब हम ड्रॉ कर दे रहे हैं अभी, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है, यह है लंब, इसका नाम है लंब, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल। तो आपतित किरण और लंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। आप लिख लीजिए परिभाषा में, आपतित किरण और लंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, और इसे एंगल आई के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि एंगल आई, इसे ऐसे निरूपित किया जाता है। परावर्तित कोण क्या होता है, लंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, लंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, ठीक है, क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, और इस कोण को हम लोग एंगल आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, एंगल आर से दर्शाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन, एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो, नहीं तो वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं। आपतन कोण मतलब आपतित किरण और लंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण मतलब लंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे एंगल आर से दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आपको अगर डिटेल में हर एक चीज़ समझनी है तो मेरे साथ बनना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझाएंगे, हर एक टॉपिक को बताएंगे, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगा नहीं। इतना आप याद रखो और इतना मेरे ऊपर विश्वास रखो कि हर एक चीज़ आपको बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती है बात ये परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम हम लोग किसको किसको बोलते हैं, चलिए आइए बात करते हैं परावर्तन के नियम पर, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम, तो आप लिख लीजिए परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के जो नियम हैं
वो दो होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या होता है, लिखिए कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण यानी कि एंगल आई, ये बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब एंगल आर, ये आपस में बराबर होता है। पहला नियम ये बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतित, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित परावर्तित आपतित किरण परावर्तित किरण लंब, ठीक है, लंब लंब तथा आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु सभी है ना एक ही तल पर होते हैं। ये दो नियम है और इन नियम को आप गांठ बांध करके याद कर लीजिए, दिमाग बिठा करके माइंड में, कि अगर ये दो नियम आते हैं तो हमको इसी को लिखना है। क्या लिखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित की हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप करेक्ट कर लें, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी में पढ़ा रहा है, थोड़ा सा रहम करें मेरे ऊपर, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण लंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर होते हैं। अब आप समझिए फिगर में, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण लंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर हैं, सभी एक ही तल पर है। इसको बोलते हैं प्रकाश का दूसरा नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है, समझ में आई। तो परावर्तन के नियम का मतलब क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है गाइस। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, चलिए आइए। वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा इस, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें आपको और बताएंगे, क्या बातें बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात ये समझिए, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश क्या है, एक सरल माध्यम में यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये जानें कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सीधी है ना सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, गमन करता है। ये हमको कब पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसका हमको क्या साक्ष्य मिला, प्रकृति ने ऐसा हमको क्या साक्ष्य दिया, क्या एविडेंस दिया जिससे हमको ये पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, आप समझिए। जैसे यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कोई सोर्स है, यहाँ से प्रकाश की रे ये निकल रही है, ये प्रकाश की रे निकल रही है बहुत सारी, ठीक है, ये प्रकाश की रे निकली, और यहाँ पर एक है तुम्हारे पास, ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी ऑब्जेक्ट तो आप समझते ही होंगे, जो लाइट को पार नहीं होने दे उसको अपारदर्शी कहा जाता है, ठीक है। तो जब लाइट अपारदर्शी ऑब्जेक्ट यानी कि प्रकाश की किरणें जब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट के पास गई, गुजरी, मतलब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ी, उन पे जाकर के जब वो फॉल की, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु पर, तो हुआ क्या, इस वस्तु का है ना एक प्रतिबिंब इधर बना, क्या बना, एक प्रतिबिंब बना। इससे ये पता तो चल गया, क्या पता चल गया, कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमको कैसे पता चला, ये तब पता चला जब प्रकाश के रास्ता में कोई एक अपारदर्शी
है ना, वस्तु आ गई और उस वस्तु का एक प्रतिबिंब जो था उसके पीछे, प्रतिबिंब कहने का मतलब ये, मेरा कहने का सेंस ये है कि उसकी छाया यानी कि उसकी परछाई जो थी उसके पीछे बनी, यानी कि उसकी परछाई जब पीछे बनी तब हमको ये तो एनालिसिस हो गया कि ये जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है ये लाइट को पास नहीं होने दे रहा और इसकी परछाई जो है पीछे बन जा रही है। अगर लाइट सीधी रेखा में गमन नहीं करता, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, तो क्या हो सकता था? देखिए, अब यही प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन नहीं करता, जैसे मान के चले यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है और यहाँ से ये प्रकाश आया, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है। अगर ये सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो क्या हो सकता था? देखिए, तो जब ये प्रकाश आया इसको लगा कि एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये इसको नहीं पास होने देगा, तो ये घूम करके ऐसे पास होकर के चला जाता, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी। क्या? कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे पीछे कौन आ रहा है ये भी हमको दिख जाता। कैसे? क्योंकि प्रकाश आया, घूम करके आया, मेरी आँख में घुस गया तो पीछे की चीज़ें हमको नज़र आ गई। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पीछे की चीज़ें देखने के लिए हमको या तो पीछे घूमना पड़ता है, या तो हमको पीछे घूमना पड़ेगा, या फिर पीछे वाला चीज़ कहाँ आ जाए, आगे आ जाए, तभी देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश को एक सीधा रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें हमको नज़र नहीं आएंगी। तो इससे ये तो पता चल गया कि प्रकाश हमेशा कैसा गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। इसका अगर आपसे एविडेंस पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला, कोई एक उदाहरण के माध्यम से आप बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि जब हम प्रकाश के रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसकी परछाई उसके पीछे बन जाती है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलो अब हम आते हैं दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दें, ठीक है। उसको बताने के बाद फिर हम लोग जो है आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्या है वो? है प्रकाश क्या प्रकृति, यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है, ठीक है। प्रकाश की, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या हो गया? नेचर ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश की जो प्रकृति है, साइंटिस्टों के यानी कि जो वैज्ञानिक रहे जिन्होंने प्रकाश के बारे में जाना, उन वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की दो प्रकृति हैं। कितनी प्रकृति हैं? दो। तो दो प्रकृति कौन कौन है? एक प्रकृति है आपका तरंग का, एक प्रकृति है आपका तरंग का, ठीक है। और दूसरी प्रकृति क्या है? दूसरी प्रकृति है आपकी कण, यानी कि तरंग की प्रकृति, ठीक है, तरंग की प्रकृति। और एक हो जाती है आपकी कण की प्रकृति। तो तरंग की प्रकृति का मतलब क्या होगा? कि प्रकाश जो है वो आपका वेव नेचर में भी देखा गया, यानी कि प्रकाश वेव नेचर को भी शो करता है, ठीक है। किस नेचर को शो करता है? वेव नेचर। और तरंग कण की नेचर का मतलब क्या होगा? कि प्रकाश जो है पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, ठीक है। प्रकाश जो है वो पार्टिकल नेचर को भी क्या करता है? शो करता है। ये दो बातें जो हैं आपको जाननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी कि प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं। तो इस बात को लेकर के वैज्ञानिकों के मन में या फिर वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी लंबे समय तक एक मतभेद रहा बातों का लेकर के, कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये था कि प्रकाश जो है वो कण के पार्टिकल की तरह यानी कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। ऐसा कैसे उन लोगों का कुछ मानना था? कुछ साइंटिस्टों ने यानी कुछ वैज्ञानिकों ने जब प्रकाश के बारे में रिसर्च किया तो उन लोगों ने इस बात को जाना, क्या, कि जैसे कोई एक पार्टिकल, उन्होंने बोला कि अगर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका साइज यानी कि जिसका आकार जो है उस लाइट के वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य से
छोटा हो, यानी कि किसी लाइट के किसी लाइट का कोई लाइट है ठीक है सॉरी कोई किरण है, उस किरण का जो तरंग दैर्ध्य है उस तरंग दैर्ध्य से अगर छोटा, अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल हो या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट हो जो लाइट के रास्ते में आ जाए, ऐसे करके इसके रास्ते में आया, तो लोगों ने क्या देखा कि ये जो लाइट है इसके कॉर्नर पे पड़ करके ऐसे मुड़ गया, इसके कॉर्नर पे पड़ के ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, यानी कि लाइट जो था उसका क्या हो जा रहा था, डिफ्रैक्शन हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? डिफ्रैक्शन। तब साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने एक दिमाग उन लोगों के मन में, क्योंकि वैज्ञानिक तो कुछ कुछ चीज़ें उन लोगों के माइंड में आई। क्या बात माइंड में आई? सबसे पहली बात तो लोगों ने ये सोची कि हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधा गमन करता है। कैसा गमन करता है? सीधा। प्रकाश हमेशा सीधा गमन करता है, मतलब वो कभी तिरछा नहीं चलता, कभी ऐसे वैसे नहीं मुड़ता, वो हमेशा सीधा रास्ता में ट्रेवल करता है। जबकि यहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा, यहाँ देखा कि प्रकाश जो है यहाँ तक आया और जैसे ही ये कण के पास आया, इस कण से टकराने के बाद ये इधर चला गया और इधर चला गया। तब उन लोगों के माइंड में एक बात आई, क्या कि प्रकाश जो है वो किस बात को, यानी कि किस नेचर को शो करता है, किस प्रकृति को शो करता है? तो प्रकाश जो है यहाँ पर तरंग की प्रकृति को शो करता है। प्रकाश जो है तरंग की प्रकृति को शो करता है, क्योंकि लोगों ने जो पढ़ा था कि प्रकाश जो है वो एक सीधा गमन करता है, उसका उन लोगों को एविडेंस भी मिला। क्या एविडेंस मिला? कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो अपारदर्शी जो ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी, जब उसके रास्ते में आई तो उसका क्या बना? शैडो बना, यानी कि उसकी परछाई बनी। इससे तो ये तो पता चल चुका था कि प्रकाश सीधा रास्ता में क्या करता है? गमन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस बात का क्या हुआ, गलत साबित होने जैसी कुछ कंडीशन क्रिएट हुई। क्या? कि प्रकाश देखिए इस पार्टिकल पे आया, टकराने के बाद ही कुछ कुछ रास्तों में मुड़ करके ऐसे जाने लगा, यानी कि ये सीधा ना जाकर के मुड़ गया उसके कॉर्नर से। तो ये तभी पॉसिबल था। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब प्रकाश तरंग की प्रकृति को शो करे, यानी कि वेव नेचर को शो करे, ये तभी पॉसिबल है। चलिए यहाँ से एक बात तो सिद्ध हुई कि प्रकाश जो है वेव नेचर को शो कर रहा है, ठीक। दूसरी बात क्या थी कि जब ये बात काफ़ी लंबे समय तक चलते रही साइंटिस्टों के बीच में, यानी कि जो वैज्ञानिक थे उन लोगों के बीच में, बहुत सारी घटनाएं भी इस नेचर से शो की गई, प्रूफ की गई, सिद्ध की गई। लेकिन जैसे ही जैसे धीरे धीरे जब 20वीं शताब्दी की तरफ हम लोग बढ़े, यानी 20th century की जब तरफ हम बढ़े, तब एक और भी बहुत सारी घटनाएं जब सामने आई, तो एक बात ये सामने आई क्या कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जब किसी पदार्थ के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ है, मतलब धातु कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के सरफेस में कोई, यानी कि लाइट आया, ऐसे करके लाइट इस पदार्थ पे पड़ा, तो लाइट जब इस पदार्थ पे पड़ा तो हुआ क्या कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे करके निकलना स्टार्ट कर दी, ऐसे करके कुछ चीज़ें इसमें से निकली, कुछ रे इसमें से निकली, ठीक है। तो ये जो रे थी, इस रे में था क्या प्रजेंट? इस रे में कण वाले पार्टिकल, यानी कि कण प्रजेंट थे। और वो कण कैसे थे? वो कण थे ऋणात्मक। कैसे कण थे? ऋणात्मक थे। और जो कण ऋणात्मक थे वो कण क्या कहलाए? वो कण कहलाए इलेक्ट्रॉन। वो कण क्या कहलाए? इलेक्ट्रॉन कहलाए गाइस। उनको हमने इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक है, उनको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इस फेनोमिना ने इस बात को भी प्रूव कर दिया कि प्रकाश जो है वो कण के नेचर को भी शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर को भी से शो करता है। तो जब दो बातें एग्जिस्ट आई, यानी कि सेम प्रकाश के लिए दो बातें अलग अलग निकल कर के आई, क्या कि प्रकाश जो है वो तरंग के प्रकृति को भी शो करता है और प्रकाश जो है वो कण के प्रकृति को भी शो करता है, तब जा कर के ये मतभेद साइंटिस्टों में, वैज्ञानिकों में क्रिएट हुआ कि एक प्रकाश दो दो नेचर को कैसे शो करता है, कैसे शो कर सकता है, ठीक है। तो इस बात की संतुष्टि पुष्टि कब हुई? जब एक मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक ने एक नई डिस्कवरी की, और डिस्कवरी का नाम क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंग्लिश में इसको बोला जाता है। उस थ्योरी के आधार पर, ठीक है, उस प्लैंक्स ने, यानी साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स, इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने बताया कि लाइट जो है, यानी प्रकाश जो है वो दोनों प्रकृति को शो करता है, तरंग की प्रकृति को भी शो करता है और कण की प्रकृति को भी शो करता है।
ठीक है। और इस बात को समझाने के लिए, इस बात की पुष्टि देने के लिए उन्होंने एक संबंध स्थापित किया किसके बीच में, तो प्रकाश के तरंग के रूप में और प्रकाश के पार्टिकल के रूप में एक रिलेशन उन्होंने दिया, एक रिलेशन उन्होंने दिया और रिलेशन उन्होंने संबंध बताया। और उस संबंध को, उस संबंध आने के बाद लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहा कि प्रकाश दो नेचर को शो करता है। कौन कौन दो नेचर? प्रकाश यानी पार्टिकल का नेचर, यानी कि कण का नेचर और वेव का नेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीका से। तो अगर ये समझ में आया है तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग अब आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि बात करेंगे नए टॉपिक की। तो नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर जितना ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ 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 शेयर करोगे, आपके दोस्त इसका उतना ही ज़्यादा जो है बेनिफिट उठा पाएंगे। और उनको ये बात भी आप बोलें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे की तरफ और बढ़ सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।